शेरू के पीछे पागल है, जैसे कि वो एक ही यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। आया बड़ा। लगता है सरप्राइज पार्टी की तैयारी चालू है। जिले साहब के लिए केक बनाया है, मुझे शायद इसके अंदर छुप जाना चाहिए। शेरू तो सबका फेवरेट हो गया। मस्त वाला आइडिया भाइयों, इसको किडनैप करते हैं, ऐसा लगेगा किसी और ने किया और उसे शेरू के बदले डाल टेस्ट चाहिए। कोई आवाज नहीं, समझे क्या? सीक्रेट पार्टी की तैयारी करनी है ना, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, मजा आएगा, मैं तो उत्सुक हूँ। प्लान पे ध्यान दो, हम लोग फोटो में किडनैपर्स लगने चाहिए, कोई स्माइल नहीं करेगा। ये वाला चलेगा। शेरू कहाँ हो? शेरू अजीब है, शेरू कभी खाना मिस नहीं करता। ओह, पत्थर के साथ एक नोट बंधा है। शेरू हमारे पास है, वापस चाहिए तो डाल्टन्स को छोड़ दो वरना साइंड किडनैपर बॉब, आगे की सूचना के लिए ब्ला 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 ब्ला। ये क्या बकवास है? काफी बड़ा सरप्राइज लग रहा है मुझे। शेरू कहीं नहीं मिला, वो सच में किडनैप हो गया है। लेकिन ये तो गलत है, एक शेरू के लिए हम डाल्टन्स को रिहा नहीं कर सकते हैं। किडनैपर्स बॉब ध्यान से सुनो, तुम्हें डाल्टन्स कभी नहीं मिलेंगे। बात में वजन होना चाहिए। अब बारी है प्लान बी की, शेरू का अंश भेजना होगा। पार्टी के लिए नया हेयरकट हो रहा है क्या? अब जेलर को झुक के हमें आजाद करना होगा, हम बहुत स्मार्ट हैं। मुझे ठंड लग रही है, तुम्हारे पास रुमाल है क्या? हमारी बात नहीं मानोगे तो ये सबूत देख लो, हम क्या क्या कर सकते हैं। बस थोड़े बाल ही तो है। ये क्या? मैं देख नहीं पा रहा। सब कुछ सही जा रहा है भाई। समझ गए तुम? मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। हमारे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी डाल्टन्स वापस आ ही जाते हैं। मैं तैयार हूँ बॉब, कल सुबह 10 बजे काली पहाड़ी के नीचे मिलते हैं। लेकिन अदला बदली करेंगे कैसे? शेरू को सामने रखेंगे, वो डाल्टन्स को छोड़ेंगे, हम शेरू को छोड़ेंगे। पर हम ही तो डाल्टन्स हैं। और किडनैपर भी हम ही हैं। लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। लगता है थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। बॉब, हम डाल्टन्स ले आए, शेरू कहाँ है? आओ, आओ। जेलर साहब, मैं हूँ बॉब, मैं कोई साधारण किडनैपर नहीं, बहुत खतरनाक किडनैपर हूँ। मैंने एक दिन मेरे भाई और माँ को किडनैप किया था, लेकिन मुझे ये क्यों कह रहा है? पहले जो डाल्टन को जाने दो, नहीं पहले शेरू दो।
वो जो भी कहता है वो करो प्लीज। ठीक है। अब शेरू को मेरे हवाले कर दो, चिल्ला चिल्ला के गला सूख रहा है। मेरे लिए गिफ्ट्स लाए हो? शेरू को वापस भेजो। अरे जो शेरू की मदद कर रहा है। वापस पाओ तो अब मैं आ रहा हूँ। शायद गिफ्ट्स वहाँ पर रखी है। बाप तो भाग गया। कोई बात नहीं, हमारा शेरू हमें वापस मिल गया, सब जो की संस्कारों की वजह से। सही कहा मिस बेटे, इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। डाल्टन्स को 2 दिन जैसा खाना चाहिए वैसा मिलेगा। अरे जो ये बॉब हमें बिना लिए कहाँ चला गया? खाना खाना। तुम्हारी संस्कारी माँ सीधा चाइना से तुम्हें मिलने आ रही है, तुम खुश हो ना? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है। जी हाँ, चिंता मत करो, मेरी माँ एक कुंग फू चाइनीज डॉक्टर है। मम्मी, क्या आइडिया आया है? हम इसके मम्मी के सहारे यहाँ से भाग सकते हैं भैया। मम्मी के सहारे ठीक नहीं है ना, खाने और भागने में सब जायज है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबसे बढ़िया हो मॉम। ऐसे हरकत करके आपने ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानते मेरे पूरे खानदान को कुंग फू आती है। अगर अपनी मम्मी को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। माता जी, मैंने सुना कि आप चाइना के फेमस कुंग फू चाइनीज डॉक्टर हो। बदले में मम्मी को इस्त्री करने के लिए 4 हेल्पर्स चाहिए होंगे। ये काम करने के लिए डाल्टन्स कैसे रहेंगे? आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन मेरी कमर ठीक कर दीजिए। ये खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाइयों से कुछ सीखो। डांट ये देखो। नहीं सुधरेगा। सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। यस। नालायक कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यार, अम्मा तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अरे देखा, मम्मी ने मुझे खिलौना दिया, इसे मैं खेलूंगा। ये डाल्टन्स लोग हर बार हम लोग का काम कितना आसान कर देते हैं। हमें एक नए आइडिया की जरूरत है। जल्दी से सोचो और निकलो यहाँ से। वैसे भी मुझे इन घोंचुओं की शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। लड़ाई करना बंद करो, जाओ यहाँ से। बताओ आइडिया किसके पास है? मैं, मेरे पास है, मेरे पास। हम ये नदी पार करेंगे इन पाइप्स की मदद से। क्या कोई दूसरा आइडिया है? है ना? मेरे पास
पास भी है माँ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या जो? तुम चारों बेवकूफ, डाल्टन खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर ही रहोगे। अब देखते जाओ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। यही मुझे मेरे प्लेनेट पर वापस भेज सकती है। मेरे रिस्पेक्ट की कोई इज्जत ही नहीं, कोई आइडिया नहीं सुन रहा। इसके पास तो नूडल्स है, मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। मेरी मम्मी, क्या आपको कोई संस्कारी आवाज सुनाई दी? शायद माता जी ने पैरों में पायल पहनी हुई है। अपने हाथ ऊपर करो। इस बार तो मैं अपने लड़कों के साथ भाग कर ही रहूंगी। ज्यादा सपने मत देखो क्योंकि वो सारे टूट के बिखरने वाले हैं। समझ में आया? मम्मी, ऐसी बात है तो हो जाए। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को यूं हरा देगी। मेरी मम्मी कुंग फू की चैंपियन है। तो फिर तुम कपड़ा क्यों धोते हो? अरे भाइयों ये देखो, मम्मी ने अपने सेल में हम सब के लिए पाइप्स भेजी हैं। जो अगर तुम्हें इतनी खुजली हो रही है तो तुम इस चीनी से माफी क्यों नहीं मांग लेते? आसान है, डाल्टन्स कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन माँ की डांट जो खाते हैं वो तो है।